देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम में संबंधित अधिकारियों के साथ नगर में स्ट्रीट लाइट और कूड़ा निस्तारण की समस्या को व्यवस्थित रूप से संपादन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए एक अभिनव पहल पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्ट्रीट लाइट और गार्बेज पॉइंट पर QR कोड चस्पा किया जाएगा, जिस पर जनमानस अपनी शिकायत दर्ज कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक दौर में तकनीकी के माध्यम से लोगों को अपनी शिकायत को दर्ज करने में काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि का जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। नगर निगम की टीमों ने पिछले 12 दिनों में 12,000 से अधिक LED लाइट ठीक करने पर कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह टीम वर्क की भावना से कार्य करेंगे और जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक लाइट पोल का हमारा नंबर रहता है, तो प्रत्येक लाइट पोल पर QR कोड पेस्ट किया जाएगा और इसके साथ ही जो हमारे गार्बेज पॉइंट्स हैं जो आज की डेट में 80 प्लस हैं, तो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स पर भी एक फ्लेक्सी बोर्ड लगाकर QR कोड को विजिबिलिटी प्रदान की जाएगी, जिससे ये हमारे संज्ञान में आ सके कि कौन से पॉइंट पे जो हमारा हीप है सॉलिड वेस्ट का वो उठ नहीं पाया है कंसिडरेबल टाइम से, तो वहाँ के स्थानीय लोग या कोई भी जो पब्लिक स्पेट इंडिविजुअल है वो उसमें स्कैन करके हमें अवगत करवा सकता है, तो तत्काल कार्रवाई हम कर देंगे। अभी ये भी प्लान किया जा रहा है कि यथाशीघ्र इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से लॉन्च करवाया जाएगा।